अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह हर जायज़ को अच्छा आपकी पूरी करें। इस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी है, कोई भी दुख या तकलीफ है, अल्लाह पाक उस पर खास रहम व करम नाजिल करें। आमीन सुमा आमीन। मैं आई हूँ एक नई डिश के साथ और मैं बना रही हूँ क्या, मैं बना रही हूँ गाजर की खीर। तो ये बहुत यमी और बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो गाजर की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर नीटो दूध लिया है और उसमें गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये 2.5 kg मिल्क है। और जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे ये कुछ मेरे पास काजू हैं और बादाम हैं, तो ये मैं कट करूँगी। तो आधे मैं पकने के दौरान डालूँगी इसके अंदर और आधे मैं बस गार्निश करूँगी। तो ये बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही मज़े की। तो यहाँ पर मैंने 3 मुट्ठी चावल भिगो दिए थे 2 घंटे पहले, और दूध में हमारे बॉयल आ चुका था। तो अब मैं इसके अंदर ये चावल शामिल करूँगी, तमाम चावल शामिल करूँगी मैं। और साथ ही मैं इसके मैंने 2 गाजरें कैश करके रख ली थी, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हमें इसको धीमी आंच पे इतना पकाना है कि ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे चावल घुट जाएँ बिल्कुल इसी के अंदर, और बहुत यमी सी हमारी खीर तैयार हो जाए। तो देखें यहाँ पर जो है मेरे पास ये मैंने काट लिए थे बादाम और काजू, और खीर हमारी जो हाफ़ डन हो गई है, हाफ़ डन सिमरा दी गई, पूरी पकी नहीं है। अब मैं इसमें आधे मैंने आधा मेवा इसमें डाल दिया है मैंने, और साथ ही मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी थोड़ा सा इसके अंदर, जो मैंने कूट के 7-8 इलायचियाँ कूट के मैंने इसके अंदर रख ली थी वो मैं इसमें शामिल कर दी है मैंने। और अब हम इसको गाढ़ी होने तक पकाएंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पर देखें हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर मैंने 1.5 प्याला, 1 प्याला फुल और 1 प्याले से थोड़ा से कम, मैंने तकरीबन 1.25 प्याले मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। चीनी पानी छोड़ती है, और इसमें ये मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ उसके अंदर। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारी जो खीर में कच्चापन निकल जाए चीनी का, और ये बहुत मज़े की और स्मूथ सा बिल्कुल एक ये बैटर बन जाए। यहाँ पर देखिए हमारी बेहतरीन सी जो खीर है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी फ़ैन चला के, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आऊँगी, फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर देखें हमारी खीर ठंडी हो चुकी है और मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये गर्म होने की वजह से थोड़ी सी आपको पतली नज़र आ रही होगी, और अब मैं इस पर थोड़े से पिस्ते बादाम गार्निश करूँगी। इसके बाद मैं ठंडा करने के बाद इसको तकरीबन 2 घंटे फ्रीज़र में रखूँगी, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सी खीर हमारी ठंडी हो चुकी है, और कितनी गाढ़ी और कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।